हेलो एवरीवन, आज मैं आपको सीएसएसबी डिपार्टमेंट बताने वाला हूँ कि सीएसएसबी डिपार्टमेंट क्या होता है और किस तरीके से इसमें इक्विपमेंट होता है, उस डिपार्टमेंट का मतलब क्या है। दोस्तों, सीएसएसबी का मतलब है सेंट्रल सप्लाई सप्लाई डिपार्टमेंट। ये हमारे हॉस्पिटल का एक डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे जो हमारे डिसइंफेक्टेड वाले जो सामान या इंस्ट्रूमेंट होते हैं इस डिपार्टमेंट में लाकर उसको स्टरलाइज किया जाता है। लाइक जो हॉस्पिटल में केस करने के लिए सीजर एंड इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उनको दोबारा यूज करने से पहले सीएसएसटी में लाके उस सामान को स्टरलाइज किया जाता है, फिर यूज करते हैं। सीएसएसटी में कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं एंड कुछ मशीनें होती हैं, जैसे कि कुछ मशीनों का नाम है लाइक हमारा ओरिजेंटल ऑटोक्लेव आपको देखने को मिलेगा, वर्टिकल ऑटोक्लेव होता है इस तरीके से वो देखने को मिलेगा, प्रेशर कुकर टाइप ऑटोक्लेव, प्रेशर टाइप के कुकर ऑटोक्लेव भी होते हैं, जैसे आपने कुकर देखा होगा उस टाइप के भी ऑटोक्लेव होते हैं। टेबल टॉप ऑटोक्लेव मतलब 20 मिनट 30 मिनट के जो टेबल टॉप मूवेबल होते हैं उस टाइप के ऑटोक्लेव होते हैं। लार्ज ऑटोक्लेव एटीओ मशीन भी होता है जिसमें गैस यूज होते हैं, इथेनाइल लाइन वाली जो गैस यूज होती है उसको एटीओ मशीन बोलते हैं। अब मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ डिपार्टमेंट से कि एक डिपार्टमेंट कैसा होता है और ये मशीनें कैसे हैं। ये सीएसएसडी रूम है जहाँ पे मशीनों का क्लीनिंग किया जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट वॉश करने के लिए जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को वॉश किया जाता है एंड जो भी हमारे क्लोनोस्कोपी एंड कैथेटर लैब वाले इक्विपमेंट होते हैं इसको यहाँ पे एयर के थ्रू वॉश किया जाता है, उसके बाद स्टरलाइज किया जाता है। ये जो आप देख रहे हो ये मेडिकल एयर है, इसमें हाई प्रेशर होता है एंड 7 बार है। ये हमारा जो इंडो कैथ लैब वाले जो मशीनें होती है एंड जो कैथेटर होते हैं उसको वॉश करने के लिए एयर का यूज़ किया जाता है एंड वाटर से हम इसको साफ़ करते हैं और एयर से हम जो भी फ्लूड व्लूड होता है मशीन के अंदर वो हम निकालते हैं। इस तरीके के भी आपको सीएसएसडी में देखने को ये एरिया हमेशा बंद रहता है। ये हमारे पैकिंग एरिया है जहाँ सामान को पैकिंग किया जाता है। यहाँ पे हमारी पैकिंग मशीन है, सामान को रैप करके ऑटोक्लेव किया जाता है एंड इसको भी हम ज़्यादा टच नहीं कर सकते क्योंकि हमारे स्टरलाइजेशन एरिया होता है। और ये हमारा ऑटोक्लेव है जहाँ पे मशीनों को वॉश किया जाता है एंड जो अपने इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो ओटी में यूज़ होते हैं उनको यहाँ पे स्टरलाइज किया जाता है इस मशीन में डाल के। ये ईटीओ मशीन है, ईटीओ मशीन मतलब इसमें एक केमिकल होता है जो साउंड करके फटता है एंड स्टरलाइज करता है। ये हमारा स्टीम बेस है, प्रेशर बेस काम है, ये प्रेशर पे काम करता है। ये मशीन जो होती है प्रेशर पे काम करती है एंड ये डोर लॉक है मशीन का एंड ये स्टीम है जो प्रेशर बनाता है मशीन के अंदर। इस तरीके की भी चीज़ें आपको सीएसडी डिपार्टमेंट में देखने को मिल सकती है। और ये हमारा ऑटोक्लेव है, इसमें भी हम सामान को स्टरलाइज करते हैं। काफ़ी लार्ज बड़े वाले जो होते हैं हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट जो ट्रे होती है जो हमारी ट्रोल टैप करके होता है उसमें हम सामान को डाल देते हैं एंड इसमें स्टरलाइजेशन के लिए डाल देते हैं। कंट्रोलर जहाँ से कंट्रोल करते हैं कितना टेम्परेचर क्या है कैसे है। ये हमारा एक प्रेशर का है, एक वॉल्व प्रेशर का है एंड एक स्टीम का है, इसको हम ऑटोक्लेव बोलते हैं। इस तरीके से हम इंस्ट्रूमेंट ट्रे में सामान को डालते हैं, स्टरलाइजेशन के लिए रैप करके डाला जाता है। डिपार्टमेंट है एंड डिसइंफेक्टेड वाला डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट में अपने को ऐसे नहीं जाना होता है। ये देखो ऑटोक्लेव रूम, सभी पे आपको ऑटोक्लेव रूम मिल जाएगा। ये जब हम सामान को स्टरलाइज कर लेते हैं ना, जब सामान हमारा स्टरलाइज हो जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, हमारा एक एरिया होता है स्टरलाइजेशन एरिया, उसमें हम सारे सामान को डाल देते हैं कि कौन सा सामान कहाँ का है। जैसे कि आप फर्स्ट देख सकते हो जनरल वार्ड का है, जनरल वार्ड का या डेंटल का है, इसी तरीके से सारे सामान को हमें पैक करके रखा जाता है। ये हमारा इस तरीके से सारे सामान को रखा जाता है। जो भी डिपार्टमेंट वाला वो अपना सामान आएगा एंड जो के यहाँ का टेक्नीशियन हो उसको सामान देगा, इसको हर कोई टच नहीं कर सकता क्योंकि स्टरलाइज हो चुका है। इस रूम में भी आने की अनुमति नहीं होती है दूसरे लोगों की क्योंकि हमारा स्टरलाइजेशन जोड है एंड डिसइंफेक्टेड वाला एरिया है। तो इस तरीके से आपको सीएसएसडी डिपार्टमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी सीएसएसडी डिपार्टमेंट हमारा एरिया है जहाँ पे जितने भी हॉस्पिटल के इक्विपमेंट्स एंड स्टरलाइजेशन वाले मशीनें या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको मशीन के द्वारा स्टरलाइजेशन किया जाता है। या आप ऑटोक्लेव देख रहे हो, यह हमारा ऑटोक्लेव है, ये ऑटोक्लेव है ऑटोक्लेव एंड ये हमारा ऑटोक्लेव है एंड ये हमारा ईटीओ मशीन है। इस तरीके से होती है। ये मेरा पैकिंग एरिया है जहाँ सामान को पैकिंग किया जाता है, यहाँ पर सामान को रैप करके पैकिंग करके किया जाता है। ये भी रूम हमेशा बंद रहता है इस तरीके से।
रूम ओपन नहीं होना चाहिए एंड वो रूम भी ओपन प्रॉपर बंद हो जाएगा, ये भी रूम प्रॉपर बंद हो जाएगा। कहने का मतलब इसका जो इन्फेक्टेड है इसमें ना जाए एंड जो उसका इन्फेक्टेड है इधर ना आए। तो सारे में आपको डोर दिख रहे होंगे एंड गेट दिख रहे होंगे, सारे डोर ये बंद रहते हैं। गेट कहने का मतलब गेट सारा बंद रहता है एंड ये गेट भी बंद रहता है एंड हमारा इंस्ट्रूमेंट वॉशिंग एरिया भी हमेशा बंद रहता है।